नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल और आप देख रहे हैं टेक्निकल राहुल। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि पिन ड्राइव से मॉनिटर में डिज़ाइन लोड करना और कैसे सेटिंग करना, पूरा ए टू जेड बताऊंगा मैं आपको। देख, मेरा मशीन पर भी फ्रेमिंग का डिज़ाइन चलता है। ये देखिए, इस टाइप का डिज़ाइन बेल्ट का है, ये जीन्स का बेल्ट है। दोस्तों, मैं आज आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आप पिन ड्राइव से मॉनिटर में डिज़ाइन लोड करना, सेव करना, उसके बाद पूरा सेटिंग करना। दोस्तों, मैं आज ये पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा, ठीक है। दोस्तों, जैसे अभी देखिए ऑफसेट लगा हुआ है मशीन का और ये बाहर निकला हुआ है, तो हम सबसे पहले, ये रहा मॉनिटर का फेस। सबसे पहले मैं आपको फ्रेम को अंदर कर लेता हूँ। ये मेरा मशीन सेंटर में चली गई है। अब इस पे दोस्तों, ये रहा, ये हमारे पास पेन ड्राइव है। मैं इससे अभी मॉनिटर में डिज़ाइन लोड करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, आपको एक बार हार्ड ड्राइव मानना होगा, पहले इसको बाद में इसको। तो इसका जो है ये एरो का होगा, ये अप डाउन करने लगेगा। ये सही से दिख नहीं रहा दोस्तों, ये यहाँ पे जो एरो है ऊपर में, ये अप डाउन करने लगेगा। उसके बाद आपको साइड में ये इसमें आपको पिन ड्राइव लगाना है। पिन ड्राइव लगाने के बाद आपको सिंपल ये फाइल वाले बटन पे प्रेस करना है। फाइल वाले बटन पे प्रेस करने के बाद फाइल वाले बटन पे लाने के बाद आपको 3 नंबर पे लाना है, ठीक है दोस्तों। 3 नंबर पे इससे एरो से नीचे लाना है। ये देखिए, 3 नंबर पे लाने के बाद सिंपल आपको एंटर बटन दबाना है, ठीक। एंटर बटन दबाने के बाद इंटर बटन दबाने के बाद आपको इस तरीके से खुल जाएगा, आपको सारा फोल्डर खुल जाएगा सामने। आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है, जैसे आपको आगे फोल्डर है कोई तो इससे, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने ये फोल्डर खोला आर के दिसंबर, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने ये फोल्डर खोला, ठीक, और जैसे मेरे को ये डिज़ाइन डालना, तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ डिज़ाइन कौन सा। इस पे दबाओगे तो आपको जूम में ये जैसे ये डिज़ाइन दिख जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या है, एंटर बटन 2 बार आपको दबानी है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, ये देखो, जैसे मेरा मॉनिटर फुल है तो ये डिलीट मारने के लिए कह रहा है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको डिलीट मार के दिखा देता हूँ। ये इसके नीचे, ठीक नीचे ही 6 नंबर का है। आपको पहले, अगर आपका मॉनिटर फुल है, डिज़ाइन पूरा भरा हुआ है, तो डिलीट मारना पड़ेगा। जैसे मैंने ये डिज़ाइन डिलीट मार देता हूँ, 1 नंबर का डिज़ाइन है ये, मैं डिलीट मार लेता हूँ। फिर वापस 3 नंबर पे आता हूँ दोस्तों। 3 नंबर पे आने के बाद जैसे मैंने बताया कि फोल्डर आपको सेलेक्ट कर लेना है जिस फोल्डर में है, जैसे मैंने बताया था आर के दिसंबर में। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो कंटिन्यू दिखेगा, पूरा समझ में आएगा आपको, ठीक है दोस्तों। यहाँ से इंटर बटन दबाना है और जैसे डिजाइन आपको मैंने बताया, जूम इससे हो जाता है। जैसे मेरे को मान लो ये डिजाइन डालना है ना दोस्तों, ये इसके बाद मैं सिंपल सा इंटर बटन को आपको 2 बार प्रेस करना है, इस बटन को, इंटर बटन। 1 नंबर में देखो, 1 नंबर का मैंने डिजाइन डिलीट मारा था तो 1 नंबर में ही जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये और एक बार और मानना है, ठीक है दोस्तों। ये जैसे यहाँ इस तरीके से है, आपको फिर से एक बार और एंटर बटन दबाना है। दबाने के बाद दोस्तों सीधे 1 नंबर पे लाना है आपको और फिर एंटर दबाना है। देखिए, वही वाले डिजाइन में ना 1 नंबर पे गया हुआ, ठीक है। आपको इसको सेव कर लेना है, ठीक है, इस इंटर बटन को दबाना है, ठीक है दोस्तों।
और इसको सेव कर लेना है एक दो बार मार के, देखिए। ठीक है दोस्तों, ये देखिए लिखा हुआ आ गया सेव। ठीक है दोस्तों, ये सेव हो गया। अब हम इसे सेट कैसे करें, तो फिर से आपको हार्ड ड्राइव लेना है, इन दोनों को एक एक बार दबाना है, ये वाले बटन को दबाना है फिंगर वाले को, और नीचे आपको तीन नंबर पे लाना है। ठीक है, डिजाइन जो लिखा हुआ, ठीक है, उसके बाद आपको फिर से इंटर बटन दबाना है, ये वाले ऑप्शन खुलेगा। ठीक है, फिर आपको आठ नंबर पे लाना है, ठीक है, उसके बाद इंटर दबाना है, दबाने के बाद ये इस टाइप का हो जाएगा। ये तो आपको सिंपल सा इसको दो बार दबाना है, और देखिए जो फ्रेम में एरिया, जैसे आपको फ्रेम में डिजाइन सेट करना है, जैसे ये है, ठीक, मैं आपको दिखाता हूँ ये वाले। ठीक है दोस्तों, इस टाइप का अपने फ्रेम में एरिया ले सकते हैं, देखिए। ठीक है, इस टाइप का आप 20 सेंटर के इस तरीके से आप डिजाइन को अपने फ्रेम में सेट कर सकते हैं दोस्तों। ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है दोस्तों, इसको फॉलो कीजिएगा, आप आराम से डिजाइन सेट कर पाएंगे। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।